हाय, दिस इज मनीष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल. सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया था कि अब जो व्यू है वो बुलिश हो जाएगा, और अगर ये हाई क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक अच्छा आपको हमें देखने को मिल सकता है. आज अगर आप देखो, एक इंट्राडे डिप हमें मिला और उसके बाद एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है. हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है. मुझे लगता है यहाँ से अगर ये हाई क्रॉस करता है तो 23,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में. तो जो आपका व्यू होना चाहिए वो बुलिश होना चाहिए, और आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 23,000 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में. निफ्टी मैंने आपको 11,600 का टारगेट दो तीन वीडियो पहले ही दे दिया था, अगर आपको याद है. अब जो लेवल्स आते हैं वो 11,750, 11,800 ये लेवल्स आ रहे हैं नेक्स्ट टारगेट. तो यहाँ से 150 टू 200 पॉइंट का रैली हमें और देखने को मिल सकता है निफ्टी में. लेकिन 11,800 एक मेजर रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है. सो आपको वहां पर थोड़ा लॉन्ग पोजीशंस को ऑफलोड करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ से 11,750 टू 11,800 ये पॉसिबल टारगेट्स लग रहे हैं. तो इसमें भी आपका व्यू बुलिश होना चाहिए, और आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज सेल दिया था, इसमें जो सेल लेवल दिया था वो सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है. मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक बाय दिया था 372 के ऊपर, इसमें आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा, 376.70 तक जाके आया ये. एंड मैंने आपको बंधन बैंक बाय दिया था. बंधन बैंक में भी अगर आप देखो 305 ट्रिगर होने के बाद 307.70 तक जाके आया ये. अगर 300 रुपए का स्टॉक है, 3 रुपए अभी मिलता है तो 1% रिटर्न होता है, विच इज नॉट अ बैड रिटर्न. अगर आपने फास्ट प्रॉफिट बुक किया होगा तो डेफिनेटली उसमें भी आपको पैसा आया होगा, वरना आपका ट्रेल एसएल ट्रिगर हुआ होगा. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स, कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है. तो सबसे पहला स्टॉक होगा टाटा केमिकल. टाटा केमिकल का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, प्योर प्राइस एक्शन ट्रेड में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से एक बड़ा फॉल आया, एक रिट्रेसमेंट और एक वापस शार्प फॉल. अब ये फॉल कंटिन्यू कर सकता है, इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग अगर आता है तो एक बड़ा फॉलो में देखने को मिल सकता है. एक्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. नेक्स्ट स्टॉक होगा अमर राजा. अमर राजा का स्ट्रक्चर भी मुझे काफी वीक लग रहा है. वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो, एक काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली, और अब एक शूटिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बना है, और मुझे लगता है अगर इसका लो टूटता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग फॉल हमें देखने को मिल सकता है. सो प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये स्टॉक गिर सकता है. सो एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप इसको सेल करके पैसा कमा सकते हो. एक्जैक्टली कौन से लेवल पे शॉर्ट करें मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. एंड लास्ट स्टॉक होगा ग्लेनमार्क फार्मा. ग्लेनमार्क फार्मा का स्ट्रक्चर मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है. शार्प रिकवरी यहाँ से देखने को मिली है, यहाँ पे काफी अच्छा बेस प्राइस फॉर्मेशन बना दिया इसने, और 500 का लेवल है, 500 का राउंड ऑफ नंबर भी है. अगर ये क्रॉस करता है तो एक बड़ा आपको हमें देखने को मिल सकता है. ग्लेनमार्क फार्मा काफी अच्छा बाय रहेगा इंट्राडे के लिए भी, और पोजिशनल के लिए भी काफी अच्छा बाय रहेगा. सो एक्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.